अपराधी और अपराध पर लगाम लगाने में जुटी संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल संभल पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो सीधी साधी और गरीब लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर उनका लाखों रुपए में सौदा किया करता था। जिनसे पूछताछ में ये पता चला है कि एक गिरोह के रूप में ये लड़कियों को बेचने का काम करते थे और यूपी के कई जिलों में लड़कियों को मांग के अनुसार सप्लाई करते थे। जो महिलाएं इनके संपर्क में पहले से होती थी उनको ये लोग शादी का झांसा देकर के या तो शादी करा देते थे या शादी के लिए तैयार करते थे, कुछ केवल मंगनी वगैरह करा करके, और बाद में इन लड़कियों को वापस बुला लेते थे या फिर उनके यहाँ जा करके कि तुम्हारे यहाँ लड़की हमारी सही से नहीं रह रही है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और जिस लड़की की शादी कराए होते थे उसको वापस ले आते थे। इस तरीके से लगातार ये गिरोह के रूप में लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा था। अब इसमें बागपत, हरियाणा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल, तमाम जगहों पे ये लोग लड़कियों को बेचते थे। अभी ये पूरा गैंग पकड़ा गया है और इनके पास से ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स भी बरामद हुए हैं जिसमें लड़कियों का सौदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके गिरफ्तारी सुनिश्चित करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 40,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।